हमजा सुहेल और सज्जल अली की अपकमिंग ड्रामा जर पत्तों के बंद, जिसको हम कह रहे थे यार उसका नाम अब ये नहीं होने वाला, नाम उसका चेंज हो गया, ये भी आपको बताऊंगा। उसकी शूटिंग के ऊपर भी अपडेट बताऊंगा। हमजा सुहेल के बारे में बताऊंगा कि यार उन्होंने शूटिंग शुरू की नहीं की, इसकी शूटिंग कहां तक पहुंची, रिलीज कब तक होगी, सब कुछ बताने वाला हूं इसी एक वीडियो के अंदर। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई मेरी पॉडकास्ट हमने की है यार, काफी सारे लोग हम मिलके यूजलेस गाए, हसर रिव्यू पॉइंट और जो मोहसिन भाई जो के पाक रिव्यू ऑन बॉलीवुड वाले हैं, यार हम सब मिलके एक पॉडकास्ट हमने किया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो जाके देखो, मेरे चैनल पे पड़ी है। तो शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले बताऊं जो इसका नाम होने वाला है, वो पहले पता था सबको यार, जो इसका नाम है वो होने वाला है सर पत्तों के बंद, और जो इसका अब नाम है वो ये नहीं होने वाला, इसका जो नाम है वो होने वाला है जर्द पत्तों के बन, नॉट बंद, बन होने वाला है जर्द पत्तों के बन, बे नून, खाली बे नून, ठीक है। और इसके बाद दूसरी अपडेट आपको दे दूं कि भाई पहले दरमियान में ये अपडेट आई थी कि यार इसकी शूटिंग है वो शायद लाहौर में शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन 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 इस टाइम खबर ये आ रही है कि मेरे शहर भावलपुर में इस टाइम जहां मैं खड़ा हूं यहां पे इसकी शूटिंग चल रही है इस टाइम, और हमजा सुहेल ने भी इसके सेट को यहां पे ज्वाइन कर लिया है। और हमजा सुहेल की एक यहां पे उन्होंने एक स्टोरी लगाई, और उस स्टोरी के ऊपर उन्होंने एक देहात टाइप सा घर, और उस टाइप के यहाँ पे भावलपुर में बिल्कुल भावलपुर के साइड के जो गांव के एरियाज हैं वहां पे बिल्कुल इसी तरह के घर होते हैं। कहा जा रहा है कि यार इसको इसकी जो स्टोरी होने वाली है वो वुमेन एम्पावरमेंट पे होने वाली है, और सज्जल अली कुछ अपने मोहल्ले के लिए कुछ बड़ा करना चाहेंगी, शायद कोई ऐसे स्कूल वाला टाइप कुछ इस तरह का वो करना चाहेंगी, कुछ स्कूल बनाना चाहेंगी, वो करना चाहेंगी। तो इसलिए भी उनकी जो आईयूबी की शूटिंग वगैरह थी वो चल रही थी यहाँ भावलपुर में, और इस टाइम भी भावलपुर में इसकी जो शूटिंग है चल रही है और जोरों शोरों से चल रही है। हमजा सुहेल ने भी इसका सेट ज्वाइन कर लिया है। अगर इसके ऊपर रिलीज डेट के ऊपर बात करें तो यार आपको कब देखने को मिल सकती है, तो भाई इसके ऊपर जो अपडेट इस टाइम आ रही है कि ये आपको देखने को मिल सकती है ईद उल अजहा के बाद बाद, ये हाँ जी ये वाली नहीं, उसकी अगली ईद पे, क्योंकि इसकी शूटिंग अभी कुछ अर्सा पहले शुरू हुई है और अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, लेकिन ईद उल अजहा के आसपास ये आपको या उसके बाद ही आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो आप बताओ कितना आप एक्साइटेड हो इस ड्रामे के लिए, हो या नहीं भी हो तो सब बता दिया करो नीचे कमेंट सेक्शन में, और आगे कमेंट्स में कुछ बताया भी करो, कुछ बोला भी करो सही से आके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।